नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.29 आईई इरोडो। सिंपल क्वेश्चन है ये, ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे बॉडी को थ्रो किया जा रहा है? एट एन एंगल अल्फा। ठीक, विद द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट। इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको दिया है, वो मैग्नीट्यूड कितना दिया आपको इस तरह से थ्रो किया जा रहा है, कितनी वेलोसिटी है वो वी नॉट। एज्यूमिंग द एयर ड्रैग टू बी निग्लिजिबल, एयर ड्रैग को आपको निगेट कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? टाइम ऑफ मोशन। तो ये तो सिंपली है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक है। टाइम ऑफ मोशन के लिए हम कौन सा मोशन कंसिडर करते हैं? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वी नॉट साइन अल्फा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? वी नॉट कॉस अल्फा। एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो इसका वर्टिकल मोशन कैसा होगा? तो वर्टिकल मोशन ऐसा होगा कि पार्टिकल ये ऊपर जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा और वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करनी है तो पूरा मोशन कंसीडर करते हैं। यहाँ से ये इस तरह से जाता हुआ ये पूरा वापस नीचे आता आएगा। तो जब अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट ओ से अगर वो ए तक पहुँचता है तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। क्योंकि जिस हॉरिजॉन्टल लेवल पे उसने मोशन स्टार्ट किया था ये ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आके उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे वापस आ जाता है। तो नेट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। एसलेशन कहाँ है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव मान लें तो इक्वेशन हम लगाने जा रहे हैं एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टोटल वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में है ये। एच आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, यू इनिशियल वेलोसिटी होती है, ए एक्सेलरेशन होता है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? पॉजिटिव है। अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी है? वो वी नॉट साइन अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट टी ये ही हमें फाइंड करना है। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप यहाँ से टी निकालोगे तो टी की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगा टू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी और दूसरी वैल्यू होगी जीरो। ठीक है, ये वो टाइम है जिस टाइम पे पार्टिकल जो है वो ग्राउंड पे होता है। तो स्टार्टिंग में भी ग्राउंड पे ही होता है, ग्राउंड से मोशन स्टार्ट करता है। तो ये टी इक्वल टू जीरो यही बता रहा है कि स्टार्टिंग में भी ग्राउंड पे होता है और इतने टाइम के बाद भी वो ग्राउंड पे होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा आपका? टू वी नॉट साइन अल्फा अपॉन जी। ठीक, बी पार्ट में क्या पूछ रहे हैं? द मैक्सिमम हाइट ऑफ असेंट, कितनी मैक्सिमम हाइट वो अटेन करेगा, कैपिटल एच ये आपसे पूछी जा रही है। एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज वो कवर करेगा आर, ये आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो दोनों पहले ये फाइंड करते हैं उसके बाद देखते हैं। एच के लिए भी हम वर्टिकल मोशन ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम हाफ मोशन कंसीडर करेंगे, ओ से लेकर इस पॉइंट बी तक का मोशन कंसीडर कर रहे हैं, हाफ मोशन। तो बी पॉइंट पर जब वो पहुंचेगा तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होगी। वी पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेलोसिटी होती है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो हम इक्वेशन लगाने जा रहे हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी और कौन सी डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वी नॉट साइन अल्फा। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एसलेशन जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो माइनस टू जी एच, ये एच ही आपसे पूछा गया। तो एच जो आएगा मैक्सिमम जो हाइट अटेंड आ रही है वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू जी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट आ गई। रेंज के लिए, तो रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल मोशन देखेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी। वो कितनी है? वी नॉट कॉस अल्फा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एसलेशन या रिटार्डेशन नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक? टाइम टी हम फाइंड कर ही चुके हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी जिसको हम रेंज कहते हैं वो हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? वो आया था टू वी नॉट साइन अल्फा ओवर जी। तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा होता है डिवाइडेड बाई जी। तो ये आ गया हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं उसी पार्ट में? एट
वॉट वैल्यू ऑफ एंगल एल्फा दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, पूछ रहे हैं एल्फा की किस वैल्यू के लिए आर और एच दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इक्वेट कर देते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, एच इजक्ल टू आर पुट कर देते हैं, आपको एल्फा निकल आएगा। तो एच इजक्ल टू आर पुट करोगे तो एच क्या है, वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा अपॉन टू जी, और आर क्या है, आर है वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर साइन टू एल्फा को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा टू साइन एल्फा कॉस एल्फा अपॉन जी, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एक साइन एल्फा से एक साइन एल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन एल्फा कॉस एल्फा को इस तरफ ले आते हैं, तो साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा हो गया टेन एल्फा इज इक्वल टू टू, यहाँ पे ऑलरेडी है टू, ये पहुँच जाएगा तो टू इंटू टू कितना हो जाएगा फोर, एल्फा जो आ रहा है वो आ रहा है टेन इनवर्स फोर। ये वो एंगल होगा जिस एंगल पे हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब जरा आगे बढ़ते हैं, सी पार्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, ये जो पाथ ट्रेवल कर रहा है इस पाथ की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, वो आपको फाइंड करनी है। ठीक, तो जरा देखो हम क्या करेंगे, हम x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करेंगे, y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करेंगे, और उसमें से टाइम क्या कर देंगे, इलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, देखते जाओ आप इसको, x अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, x कोऑर्डिनेट, तो x डायरेक्शन में तो सिर्फ कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी जब होती है तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा v नॉट cos अल्फा इनटू टाइम t, इक्वेशन वन। जरा y डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन लगाएंगे, ये h क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, a है वर्टिकल डायरेक्शन का एसलेशन, तो ये आ जाएगा v नॉट साइन अल्फा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, कोई भी एक जनरल वैल्यू, जनरल टाइम t इक्वल टू t पर पार्टिकल कहीं कहीं भी होगा, यहाँ पे t इक्वल टू t पर कहीं भी होगा पार्टिकल, उसका कोई जनरल कोऑर्डिनेट होगा x कॉमा y, उसका x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे वो फाइंड कर लिया, और y कोऑर्डिनेट यानी y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे वो हमने फाइंड कर लिया। अब अगर आपको उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन चाहिए तो सिर्फ हमें टाइम इलिमिनेट करना है, जरा करते हैं इसको, y इक्वल टू हो जाएगा v नॉट साइन अल्फा इंटू t, t की जगह क्या पुट करेंगे x अपॉन v नॉट cos अल्फा, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, तो ये इक्वेशन बनने वाली है, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, वाई इजक्वल टू आ रहा है एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है x और y में, ये उसकी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है, और ये पैराबोलिक है शेप इसकी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक की जो शेप होती है वो पैराबोलिक होती है, और x स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो नेगेटिव, इसका मतलब पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ऐसा ही है इसका पाथ देखोगे तो ये क्या है, पैराबोलिक शेप है, और पैराबोला ओपनिंग क्या है, डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई आपको। उसके बाद डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, द कर्वेचर रेडियाई ऑफ ट्रेजेक्टरी एट इट्स इनिशियल पॉइंट एंड एट इट्स पीक, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछिए और इस हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको समझना है क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसको फाइंड करेंगे, मान लिया कोई पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है इस तरह से रेंडम, ठीक है, और किसी भी पॉइंट पे, मान लिया इस पॉइंट पे उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपसे पूछी जा रही है, यानी इस पॉइंट पे जो कर्वेचर है उसकी रेडियस आपसे पूछी जा रही है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे अगर हम एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करें, छोटा सा उसके पाथ का एलिमेंट कंसीडर करें, तो हम एक ऐसा सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ताकि वो जो एलिमेंट है उस सर्किल का हिस्सा हो इस तरह से। ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, अगर पाथ इस तरह से है और हमें इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है तो ये सर्किल हो जाएगा। ठीक, अगर पाथ आपका इस तरह से है और हमें इस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है तो जो सर्किल होगा वो काफ़ी थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि अगर उसका पाथ ज़्यादा कर्व्ड है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, और अगर उसका पाथ कम कर्व्ड है स्ट्रेट की तरह ज़्यादा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जिस पाथ
कि जिस पॉइंट पर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है उसके कर्व का रेडियस फाइंड करना है। तो हम उसके कर्व का छोटा सा हिस्सा कंसिडर करेंगे और एक ऐसा सर्किल बनाने की कोशिश करेंगे जिस सर्किल का वो कर्व हिस्सा हो, तो उस सर्किल का जो रेडियस होगा वही होगा उस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। करते कैसे हैं इसको, तो करना बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे करते हैं वो आप ढंग से देखो, हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करते हैं, वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, और एसलेशन का वो कंपोनेंट फाइंड करते हैं जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं वेलोसिटी कितनी, और हम ये फाइंड करते हैं एसलेशन का वो कंपोनेंट फाइंड करते हैं जो उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको सेंट्रिपेटल एसलेशन प्रोवाइड करेगा। तो मान लिया परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए वन है और यहाँ पे वेलोसिटी वी वन है, तो ए वन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वी वन स्क्वायर ओवर आर, और यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करनी है वो कहाँ पे फाइंड करनी है, एट द इनिशियल पॉइंट एंड एट इट्स पीक, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो जरा देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है इसमें, ठीक, ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो इनिशियल पॉइंट पे मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, इनिशियल पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सर्कल का जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और हाईएस्ट पॉइंट पे कर्व का छोटा सा हिस्सा कंसीडर करके मैंने एक सर्कल बनाया हुआ, और इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, ठीक। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी आपको पता है वी नॉट, ठीक है, अब और एंगल भी पता है, ये एंगल कितना अल्फा, एसलेशन भी पता है, यहाँ पे टोटल एसलेशन यहाँ होता है इस तरफ जी, हमें एसलेशन का वो कंपोनेंट फाइंड करना है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, यानी हमें इस तरफ वाला कंपोनेंट फाइंड करना है क्योंकि वही सेंट्रिपेटल एसलेशन प्रोवाइड करेगा। तो ढंग से देखते जाना, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, यानी एसलेशन का ये कंपोनेंट आ रहा है जी कॉस अल्फा, ठीक। तो जी कॉस अल्फा जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर वन, कह देता हूं मैं इसको यहां पे। तो आर वन कितना आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से आर वन कितना आ गया, तो वो हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फा, ठीक। अब जरा हाईएस्ट पॉइंट पे देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वी नॉट कॉस अल्फा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, और हाईएस्ट पॉइंट पे जो एसलेशन होता है वो जी डाउनवर्ड होता है। तो ये तो ऑलरेडी सिचुएशन वैसे ही हो गई है जैसे हमें चाहिए, हमें एसलेशन का वो कंपोनेंट चाहिए होता है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे तो टोटल एसलेशन ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यही जी एसलेशन उसको क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रिपेटल एसलेशन, यानी जी इज इक्वल टू हो जाएगा वी नॉट कॉस अल्फा का होल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, इसको आर टू कह देते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर टू कितना आ रहा है, वो आ गया आपका वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई जी, क्लियर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया इनिशियल पॉइंट पे, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल गया उसके पीक पे, उसके हाईएस्ट पॉइंट पे, क्लियर।